हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड के कुछ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। सो अगर मीन वर्ड का अगर हम एक डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो मीन मीन्स एवरेज। ओके, तो कोई फंक्शन अगर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है एफ दैट इज मैपिंग फ्रॉम ए रीजन टू सी दैट इज ओमेगा टू सी इज सेड टू हैव मीन वैल्यू प्रॉपर्टी एट जेड नॉट इफ मीन वैल्यू एट आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड नॉट एंड mean value at zero, these three quantities should be same. अगर इतनी mean value हम r पे निकालें, mean value zero पे निकालें, तो वो दोनों की दोनों जो values, mean values zero और r के ऊपर जो है वो f of z naught के बराबर आएंगे आनी चाहिए। अगर आती है तो हम we can say कि f के पास mean value property है, ठीक। and r is sufficiently small, mean to that r is very very small, mean you can say r is belongs to a open interval 0 to epsilon. Okay, so let's see kaise ye mean value kaise nikalne kaise hum find out karenge. Jaise r ke upar check kar rahe hain, r naught ke upar check kar rahe hain. Suppose dekhiye ye hamare paas region hai aur this is mapping from r to c, this is f, f की मैपिंग होगी और ये एक पॉइंट है और z नॉट इसका सेंटर है। z नॉट के ऊपर हमने को सेंटर मान के हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस r है। तो हम देखो r के ऊपर मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट विल द मीन वैल्यू ऑफ f एट r, दैट विल बी इंटीग्रल f ऑफ z dz, dz के ऊपर मॉड लगाना है। मैं कहूँ मॉड मीन्स टू से दैट कि आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ और ओवर ए सर्कल z इज इक्वल टू z माइनस z नॉट इक्वल टू r डिवाइड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r। तो यू कैन से सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ f ऑफ z एट एट आर, मतलब सारी की सारी जो वैल्यूज आर के ऊपर आएंगी, ठीक है, आर के ऊपर जो आएंगी वैल्यूज उन वैल्यूज का सम और हम डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड बाई सर्कमफ्रेंस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये भी है कि देखो आर इज एफ इज ए फंक्शन ऑफ आर, आर के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आर कहीं यही नहीं रहेगा, आर आपका वेरी भी कर सकता है। तो आर इट मीन दैट आर इज वेरी स्मॉल, तो आर आपका जैसे आर थोड़ा सा छोटा होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और छोटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनफैक्ट क्या करेगा ये, कहीं ना कहीं क्या करेगा, सारी वैल्यूज कवर कर देगा ये वाला फंक्शन जो है। जैसे हम आर को चेंज करते चलेंगे तो इट कवर्स ऑल द वैल्यूज एट डिफरेंट सर्कल्स। आर की वैल्यू 1 होगी तो 1 रेडियस के ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कवर हो जाएंगी। जब आर की वैल्यू हम 0.5 करेंगे तो 0.5 के ऊपर सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी, फिर 0.4 पे, 0.3 पे, मतलब यू कैन से कि ऑल वैल्यूज विल बी कवर्ड बाय दिस इंटीग्रल, देन डिवाइड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, ठीक। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सर्कल को लिखना, दैट यू नो z minus z naught is equal to r e raised to power iota theta and theta is lies between 0 to 2 pi. तो यहाँ पे dz हमारा क्या आएगा, dz is equal to r iota e raised to iota theta d theta और हमने mod लगाया है तो mod से r तो as it is आ जाएगा और iota का जो mod है वो 1 होता है, so dr d theta और ई रेस्ट वाले उठा थीटा का भी मॉड आपका 1 होता है। सो यहाँ पे थीटा के ऊपर मॉड लगाने की कोई रिलेवेंस रहती नहीं है,
सो कवर ऑल द 0 to π/2। तो इसको अगर सिंपलीफाई करें हम तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे डी थीटा की। तो यहाँ से ये देखिए आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द यू कैन से मीन वैल्यू एट आर, फॉर मीन वैल्यू एट आर आर। सो इस तरह से हम मीन वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इज डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, जैसे फंक्शन होगा तो हम उसका ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज अ वे, और किसी भी फंक्शन के पास मीन वैल्यू प्रॉपर्टी तभी होगी जब वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा। 0 के ऊपर मीन वैल्यू, आर के ऊपर मीन वैल्यू, एंड सेंटर के ऊपर जो जो भी एफ ऑफ जेड नॉट होगा उसके ऊपर, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट मीन वैल्यू प्रॉपर्टी एट पॉइंट जेड नॉट। तो जेड नॉट की तो वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, फिर मीन वैल्यू निकालेंगे। तो आर के ऊपर फाइंड आउट करना है, 0 के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो हम वी कैन से कि फंक्शन हैज मीन वैल्यू प्रॉपर्टी एट दैट पॉइंट। एक बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। देखिए कि कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ओमेगा टू सी, तो इसमें ये दो प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट होती है कि एफ अगर हार्मोनिक है तो एफ हैज मीन वैल्यू प्रॉपर्टी एट ईच पॉइंट ऑफ द ओमेगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस हो तो हर पॉइंट के ऊपर मीन वैल्यू प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, पर शर्त यह है कि एफ क्या होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। चलो ये रिजल्ट हो गया। बाकी ये देखिए एक थ्योरम है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए हार्मोनिक फंक्शन ओवर ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, मॉड जेड इक्वल टू आर, इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ लॉग आर, एंड दैट इज मीन। यू कैन से दिस इज ए मीन वैल्यू, क्योंकि हमने 2π से डिवाइड करा है। अब ऑब्वियस है यहाँ पे हमने सर्कल लिया है दिस वन, एंड दिस मीन यू कैन से वी हैव टू प्रूव दैट मीन, अर्थमेटिक मीन जो है, और यू आपका हार्मोनिक फंक्शन हो गया, एंड दैट इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ लॉग आर। इट मीन दैट अल्फा और बीटा ये दोनों कॉन्स्टेंट प्रूव करने पड़ेंगे हमें। एंड इफ यू इज ए हार्मोनिक इन ए डिस्क देन अल्फा 0 होगा, तो अल्फा 0 हो जाएगा, एंड अर्थमेटिक मीन इज कॉन्स्टेंट, एंड अर्थमेटिक मीन जो होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा अगर यू जो है वो हार्मोनिक होता है। तो देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था, तो अगर हमारे पास u1 u2 टू हार्मोनिक फंक्शन है तो ये इक्वेशन होल्ड करती है, बट दिस इट मीन दैट u1 स्टार d u2 माइनस u2 स्टार du1 इक्वल टू 0 ओवर ए साइकिल गामा विच इज होमोलोगस टू 0 इन ओमेगा। तो यहाँ पे हम u1 जो है वो लॉग आर ले लेते हैं, और u2 को टिकट है u, एंड u इज हार्मोनिक इन दिस सर्कल। ठीक, ओके, फॉर ओमेगा वी चूज द पंचर्ड डिस्क दिस वन, एंड फॉर गामा वी टेक ए साइकिल c1 - c2 वेयर सी आई इज ए सर्कल, जेड इक्वल टू आर आई लेस देन रो। ठीक, सो अगर हम डिस्क पंचर डिस्क की बात करें तो इट मीन दैट जो 0 होगा, जो रीजन है वहां पे होल है। ठीक है,
सो दिस इज पंचर्ड, तो इट मीन दैट हमें इस पॉइंट को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो हमें एक यहाँ पे एनुलस बनाना पड़ा। तो एनुलस में ये देखो, ये सी वन ले लिया हमने और अंदर ले लिया सी टू। तो जब हम यहाँ से मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली यहाँ से हमें एक बार एंटर करना पड़ेगा। यहाँ से मूव किया, ऐसे मूव किया हमने, सपोज करो हम यहाँ पे एंटर किया हमने ऐसे, तो जैसे एंटर करेंगे फिर हम ऐसे एंटर किया और फिर हम ऐसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर हम यहाँ से एंटर किया था और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे, फिर हम यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक, क्योंकि पहले हमें ये डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी, अगर ये डायरेक्शन पकड़ ली तो फिर हमें यहाँ वापस इस तरफ से जाना पड़ेगा। ठीक, सो होल साइकिल जो है कंप्लीट हो गई। और इस एनुलस में जो दो सर्कल के बीच में जो एनुलस बना, वहां पे हमने एक सर्कल ले लिया मॉड जेड इज इक्वल टू आर। और अब देखो यहाँ पे हमने जो यू लिया है, दैट दैट इज लॉग आर, इट मीन दैट ये पोलर में लिया है, तो हमें यहाँ पे ये जो डी यू स्टार है ये भी पोलर में लेना पड़ेगा। तो अगर हम पोलर में कॉची रीमन इक्वेशंस की बात करें, तो पोलर में कॉची रीमन इक्वेशंस आपके पास बनेगा कर्ल यू आर, कर्ल यू ओवर कर्ल आर इक्वल टू वन अपॉन टू, वन अपॉन आर कर्ल वी ओवर कर्ल थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे इस ऑपरेटर को मैंने निकालना है, ये ऑपरेटर लेना है, क्योंकि जो हमारे पास डी यू स्टार होता है, डी यू स्टार इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डीवी। तो यहाँ से अगर हम डीवी को फाइंड आउट करना चाहें, तो डीवी विल बी आर टाइम्स, तो ये देखो आर टाइम्स डी ओवर डी आर बन गया, और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गेट डीवी, एंड डीवी इज नथिंग इट इट्स डी यू स्टार। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम इक्वेशन वन में यहाँ पे यू वन की और डी टू की और यू टू वी डी यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट दिस वन। ठीक, एंड दिस इक्वल टू जीरो एंड ओवर द साइकिल सी वन माइनस सी टू। पर यहाँ पे जैसे हम इसको लग लग करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंट हो जाएगा। सी वन के ऊपर रेडियस आर वन है, ठीक है, दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू। ओके, सो डेफिनेटली हम इसको अलग अलग कर देते हैं, और माइनस सी टू है तो उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव लगेगा। और इस तरह से हमने ये चीज रिप्रेजेंट करी। तो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, व्हाट वी गेट दिस, कि चाहे हम इस एक्सप्रेशन को, चाहे हम सी वन के ऊपर वैल्यू चेक कर रहे हैं, चाहे हम इसको सी टू पे चेक कर रहे हैं, तो इसकी कम दोनों रिजल्ट जो है वो इक्वल आएंगे। ठीक, चाहे मतलब आप जो इंटेग्रल था इसको सी वन के ऊपर हम चेक कर रहे हैं और सी टू के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो दोनों की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि दिस इज अ डेफिनेट इंटेग्रल, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन व्हाट वी गेट द सेम नंबर, दोनों साइड्स इक्वल है। तो इट मीन दैट सी वन सी टू के, सी वन के ऊपर भी सी टू के ऊपर भी वही वैल्यूज रिजल्ट आ रहा है, तो इट मीन दैट वो कांस्टेंट है। इट मीन दैट सी वन सी टू के बीच में अगर हम बीच में कोई एक सर्कल और भी लें, तो उसके ऊपर भी इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, इट मीन सेम, क्योंकि सी वन टू सी टू से लेके सी वन के बीच में कोई रिजल्ट वैल्यू में चेंज ही नहीं आया, जो सी टू पे वैल्यूज आ रही है वही सी वन पे आ रही है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि
दिस एक्सप्रेशन इंटीग्रल ओवर सर्कल यू आर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर डी यू थीटा माइनस लॉग आर इंटीग्रल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर आर इंटू कर्ल यू ओवर कर्ल थीटा डी थीटा इज कॉन्स्टेंट. तो इट रिमेन कॉन्स्टेंट यू कैन से बिकॉज दिस इज दिस दिस वन इज दिस डॉटेड सर्कल इज मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर. ओके तो देन एंड दिस इज ट्रू इवन इफ यू इज ओनली नोन टू बी ए हार्मोनिक इन एन एनुलस. और ये चाहे यू एनुलस यू आपका हार्मोनिक होगा और ये दिट विल बी नॉन कोई वैल्यू होगी इसकी तब भी हम इसको जैसे हमारे लिए यू वन जो था यहाँ पे वो नॉन था लॉग आर. तो अगर यू की भी कोई वैल्यू दी होती यू क्योंकि हमने यू टू जो है वो यू लिया तो यू अगर नॉन होता देन ऑल्सो दिस रिजल्ट विल बी ट्रू. ओके वन मोर रिजल्ट ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पहले हमने प्रूव किया हुआ है हार्मोनिक फंक्शन के लिए कि अगर ये हार्मोनिक है तो दिस रिजल्ट विल होल्ड. सो इसका एक्सप्रेशन तो यहाँ पे पुट करें तो इट विल इज इक्वल टू जीरो डी यू स्टार का एक्सप्रेशन अभी ऊपर फाइंड आउट किया हमने तो दिस इक्वल टू जीरो. तो सेम लाइन पे और अब हम इसको जो हमारा गामा है उसको सी वन माइनस सी टू साइकिल के ऊपर लगाए तो सेम लाइन पे यहाँ पे भी हमारे व्हाट वी गेट दिस टू इंटीग्रल्स आर सेम. इट मीन दैट जो इंटीग्रल की वैल्यू सी वन के ऊपर लें या सी टू के लें इट विल बी रिमेन सेम. तो इट इज कॉन्स्टेंट यू कैन से. सो इन दिस मीट दैट इज दिस इंटीग्रल इन इन एनुलस एनुलस में मैंने ये सर्कल ले लिया मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक तो कोई वैल्यू होगी इसकी. तो नाउ इन दिस केस ऑफ एनुलस एंड ये एनुलस में हो गया एंड जीरो ये जीरो आएगा इफ यू इज हार्मोनिक इन ए होल डिस्क. अगर सारे की सारे डिस्क में ये हार्मोनिक हो देन इट विल बी जीरो. तो ये कांस्टेंट जो है वो जीरो के बराबर आएगा इफ यू इज हार्मोनिक इन द होल डिस्क क्योंकि ये एनुलस के अंदर ही है. ठीक क्योंकि बिकॉज दिस डिस्क इज पंचर्ड तो जीरो के ऊपर हम वी कैन नॉट कमेंट कि वो हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा. अगर होल डिस्क पे हो देन इट विल बी जीरो. ओके सो नाउ दो चीजें हमारे पास आ गई. एक तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिस इज कॉन्स्टेंट एंड ये भी हमने प्रूव कर दिया कि इट इज ए कॉन्स्टेंट. तो अगर हम इसको प्रूफ को देखें तो यहाँ पे क्या है ये दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. सो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे पास ये अल्फा बन गया और इसको हम बीटा ले लेंगे. ठीक देन इंटीग्रल u d थीटा इक्वल टू लॉग आर अल्फा लॉग आर प्लस बीटा. ओके सो इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे तो अच्छा ये देखो अर्थमेटिक मीन है तो क्या करेंगे हम सर्कल है तो उसको क्या कर देंगे वन बाई टू पाई से डिवाइड कर देंगे बिकॉज कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम टू पाई आर मतलब उसका हमने मीन ले लिया. ठीक तो उसके हम अगर मीन से डिवाइड कर दें टू पाई से डिवाइड कर दें दोनों तरफ देन वी गेट दिस रिजल्ट. और इस तरफ जो है टू पाई जो वो कांस्टेंट के बीच में सेटल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज अर्थमेटिक मीन. कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा सर्कमफेरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक और यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं आर को छोड़ दिया बिकॉज वी नॉट टेक आर. ठीक सो क्योंकि सर्कमफेरेंस होनी चाहिए वन अपॉन टू पाई आर वी जस्ट टेक
वन अपॉन टू पाई, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन है दैट इज ओवर डी थीटा, तो यहाँ पे आर का कोई रेलिवेंस रहता नहीं, तो वी कैन, क्योंकि आर इज ए फिक्स क्वांटिटी इन दिट, क्योंकि रेडियस है तो कोई फिक्स होगा, तो उसको हम इस तरफ रिजॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली दिस रिजल्ट कैन बी इंटरप्रेट लाइक दिस। अब हम बात करते हैं कि ये मीन की जो बात वैल्यू है वो कैसे होगा। जैसे अब देखिए एक चीज है कि अगर हम ये जो आर मूव कर रहा है, आर इज मूविंग, अगर आर को हम जीरो लेते हैं, सपोज कर लो इफ आर इज जीरो देन व्हाट वी गेट। अगर आर जीरो होता है तो यहाँ पे देखिए ये दिस इज आर बीटा, अगर ये बीटा अल्फा है तो अल्फा में आर है, तो ये चीज सारी जीरो हो जाएगी, तो वी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन बिकम जीरो, तो बीटा आएगा हमारे पास। इट मीन दैट आर, जब आर आर जीरो होगा इट मीन दैट यू विल बी एट एट जीरो, ठीक। तो जब यू जीरो पे होगा तो डेफिनेटली एंड यू की वैल्यू एट जीरो एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास बीटा ही बचेगा, ठीक। तो एट जीरो देयर इज ए नो एनी मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, कि जब हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन का सम मतलब यही है कि वो क्या कर रहा है, सम अप कर रहा है ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज। जब हम ये वैल्यू एक फिक्स हमने थीटा पे कर दे रहे हैं तो इस इंटीग्रेशन का फिर कोई मतलब नहीं रहता, ठीक। तो एट जीरो यू एट जीरो इज इक्वल टू बीटा, ओके। अगर हम इसकी इसको कैलकुलेट करना चाहें कि जेड नॉट के ऊपर क्या होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर, जैसे अभी ऊपर हम डिस्कस किया कि हमने इसकी मीन वैल्यू निकालनी है एट यू नॉट जेड नॉट, तो यहाँ से देखो हमने उस सर्कल को यूगन से कि जो हमने पॉइंट है इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जेड नॉट ले लिया और ये सर्कल ले लिया, तो सेम लाइन पे जैसे हमने ये डिस्कस किया था, तो यहाँ से आपकी चीज ये और क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये मीन वैल्यू देता है। तो दिस इज कॉची कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, तो दैट इज यू ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई ओवर इंटीग्रल द सर्कल यू ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। सो आई थिंक ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट है उसमें। सो दिस इज कॉची इंटीग्रल फार्मूला। सो बस अपने यहाँ पे डी जेड इस यहाँ से फाइंड आउट करके हमने अगर ने करें तो दैट विल बी आर आयोटा ई रेस टू आयोटा थीटा डी थीटा, और थीटा तो डेफिनेटली 0 to 2 पाई वेरी करेगा। सो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये एक्सप्रेशन जो है वो सारा का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विद 1/2 पाई 0 to 2 थीटा इंटीग्रल 0 to 2 पाई एंड यू ऑफ। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी मीन वैल्यू निकला, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया एफ के लिए, तो मीन वैल्यू निकालने का दिस इज द वे टू फाइंड द मीन वैल्यू। तो आई होप ये जो मीन वैल्यू का जो प्रॉपर्टी है ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक दूसरा प्रिंसिपल है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल फॉर हार्मोनिक मोशन। तो इसमें क्या है कि जब भी एक नॉन कांस्टेंट हार्मोनिक फंक्शन होगा उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो उसकी रीजन में नहीं होगी, है ना, वो कहाँ पे होगी, एट द बाउंड्री। तो क्या लिखा हुआ है, नॉन कांस्टेंट हार्मोनिक फंक्शन हैज नाइदर ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम इन इट्स रीजन ऑफ द डेफिनेशन, कॉन्सिक्वेंटली द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑन
ए क्लोज बाउंडेड सेट ई एंड आर टेकन ऑन द बाउंड्री ऑफ ई, तो ऑलवेज बाउंड्री पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसको के लिए हम देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट एफ ऑफ जेड इज ए नॉन कॉन्स्टेंट हार्मोनिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व गामा इन ओमेगा, ठीक, और मैं ये मान लेता हूँ कि लेट द मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अकर एट जेड नॉट कंटेन्ड इन गामा, गामा के सॉरी ओमेगा के अंदर है, नॉट ऑन द बाउंड्री, मैंने तो कंट्रडिक्शन आनी चाहिए कुछ, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ये बोल रहा है कि इसकी बाउंड्री पे आएगा मैक्सिमम। तो डेफिनेटली यहां पे हमने क्या करना, सबसे पहले जेड नॉट को एक इनक्लोज कर देना, हमने इनक्लोज बाई ए सर्कल एट सेंटर जेड नॉट और रेडियस ले लिया हमने आर, ठीक, और कॉची इनक्वालिटी आपने स्टडी किया होगा ऑलरेडी। तो कॉची इनक्वालिटी क्या होती है, इनक्वालिटी क्या होती है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू एम एंड एम इज ए मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड ऑन सी, सी जो है ये इसकी बाउंड्री है और यहाँ पे ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए रहेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं होगा, है ना, ये इक्वल टू एम नहीं होगा, इक्वल टू एम तभी बनेगा ये जब आपका ये एफ ऑफ जेड जो वो कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट के केस में वो ऑलवेज सेम रहेगा, नॉन कांस्टेंट है तो डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू एम आएगा, तो सेम वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन कांस्टेंट का यूज यहाँ पे यही है कि यहाँ पे लेस देन साइन रहेगा ही रहेगा, ठीक, ओके, सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस कॉची इनइक्वालिटी, ये आप डिस्कस कर सकते हो या इसका प्रूफ कर देना आपने, यू कैन प्रूव इट हियर, तो उससे थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा इसका। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट द सेंटर जेड जेड नॉट इज स्मॉलर देन एम, ठीक, सो इसका मतलब ये हुआ कि जेड नॉट के इसकी इस फंक्शन की जो वैल्यू है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की वो सेंटर पे स्मॉलर आएगी, छोटी आएगी एम से, ठीक, लेकिन हमने ये जो पॉइंट लिया था जेड नॉट वो तो आर्बिट्रेरी लिया था, ये कहीं भी हो सकता है, बट जेड नॉट इज आर्बिट्रेरी पॉइंट इन ओमेगा एंड वी अज्यूम्ड दैट मैक्सिमम एफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अकर एट जेड नॉट विच इज ए कंट्राडिक्शन, ठीक, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सबसे छोटी यहाँ पे होनी है, तो अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे होगा मिनिमम, सो विच इज नॉट पॉसिबल, सो इट मीन दैट जेड नॉट जो है वो विद इन दिस रीजन हो ही नहीं सकता, दिस पॉइंट मस्ट बी ऑन बाउंड्री, ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रूफ, यू कैन सी एंड इसका मिनिमम का भी अगर करना हो तो मिनिमम मैं ऑब्वियस हम क्या करते हैं कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी बाउंड्री पे आनी है, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, फंक्शन हम वन अपॉन एफ ऑफ जेड ले लेंगे, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि वन ओवर एफ ऑफ जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बाउंड्री पे आएगी, तो डेफिनेटली अगर वन ओवर जेड की मैक्सिमम है तो एफ की वो मिनिमम होगी, एफ ऑफ जेड की मिनिमम होगी, ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।